झारखंड ई कॉन्क्लेव 2 साल विकास के हेमंत संघ विश्वास के शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में झारखंड में हेमंत सरकार के 2 साल के कामकाज पर चर्चा होगी और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्री और विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं से हम बातचीत करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में पिछले 2 साल में क्या बदलाव आया है। तो शुरू करते हैं ई कॉन्क्लेव 2 साल विकास के हेमंत संघ विश्वास के। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम इमर्जिंग झारखंड सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। झारखंड सरकार के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है और खास तौर पर देखिए, जिस तरह से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है तो हर राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है। तो इस चुनौती के बीच सरकार ने क्या काम किया है और आगे आने वाले वक्त में क्या काम करेगी, इसका भी हम लेखा जोखा लेंगे और इस पर भी हम चर्चा करेंगे और विपक्ष के सवाल भी लेंगे। जो कि विपक्ष लगातार ये कह रही है कि देखिए, सरकार ने जो जनता से वादा किया था उन वादों पर, उन उम्मीदों पर नहीं उतर पाई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएमएम विधायक सुदीप सोनू जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी विधायक सीपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुदीप सोनू जी, आपको बहुत सारे शुभकामनाएं, क्योंकि आगे भी उम्मीद यही करेंगे कि जनता से जो वादा किया गया वो तो निभाना ही होगा। हालांकि सीपी सिंह जी हैं, वो तो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। सबसे पहले सुदीप सोनू जी, 2 साल की उपलब्धि की बात की जाए, निजी तौर पर अगर समझा जाए, आप किस तरह से इसको लेते हैं? क्या वाकई जो उम्मीद थी जनता की, सरकार ने उस दिशा में काम किया है? मैं तो तमाम समाचार माध्यमों से लेकर झारखंड की जनता को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस कठोर परिस्थिति में, जब पूरी दुनिया और देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा था और हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुके थे, तब एक छोटे से राज्य ने, नवोदित राज्य जिसकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष है, इस नवोदित राज्य ने अपने सीमित संसाधनों से अपने नागरिकों के लिए वो अनुकरणीय काम करके दिखाया जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष और विश्व में हुई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रथम पंक्ति के अग्रणी योद्धाओं के तौर पर कोरोना वॉरियर्स के साथ उन लोगों ने समय निकाल कर कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। और मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि इन तमाम झंझावतों और इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी राज्य ने प्रगति के पथ पर एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। हम लोगों ने सर्वजनों की सरकार, ये कारपोरेट घराने की सरकार नहीं थी, सर्वजनों की सरकार ने सर्वजन के लिए सुविधाएं और योजनाएं मुहैया कराई हैं और मुझको पूरा भरोसा इस बात का है कि झारखंड की हमारी जनता निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री को, हमारी सरकार को अपने आशीष से नवाजेगी। बिल्कुल सीपी सिंह जी, लगातार जैसा कि देखिए विपक्ष ये कहते आ रही है कि सरकार वादे तो बहुत किया, और युवाओं की बात की जाए, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन लगातार काम कर भी रहे हैं और खास तौर पर कहा जाता है कि रोजगार के लिए सृजन किए गए, अवसर पैदा किए गए, क्या आप लोग ऐसा मानते हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रही है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है चीजें। नहीं देखिए, विपक्ष की बात को मत मानिए, मैं तो कहता हूँ कि मैं भी बोल रहा हूँ तो उस बात को मत मानिए, आप मानिए सुदीप सोनू जी से ही पूछिए कि 2 साल के कार्यकाल में क्या एक व्यक्ति को भी सरकार ने नौकरी दी है क्या? बल्कि मेरा आरोप है इस बात का है कि आज के दिन जिनको नौकरी मिली थी पिछली सरकार में, रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार में, वैसे लोगों से भी नौकरियां छीनी जा रही हैं, छीनी गई हैं। इन्होंने वायदा किया था कि जो स्नातकोत्तर होंगे उनको 7,000 रुपये प्रति माह और जो स्नातक हो गए उनको 5,000 रुपया प्रत्येक माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या किसी को इन्होंने दिया क्या? अभी तक नियोजन नीति में ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जब हम लोग हल्ला किया तभी मगही, अंगिका वगैरह, भोजपुरी को जोड़ा, मैथिली को अभी भी छोड़ दिया है। मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर चुनाव में जाना चाहते हैं ताकि वोट को ये
वैसे ही लोगों का तुष्टिकरण करना चाहते हैं जिनका वोट इनको मिलता रहे, इसके अलावा ये काम नहीं करना चाहते हैं। अभी सुदीप सोनी जी बड़ा ही लच्छेदार शब्दों में अपनी बातों को रख रहे थे, तो मैं कहूँगा कि शुरुआत सब में ही कहा था कि पूत का पांव पन्ने में ही दिख जाता है, तो ये 2 साल का कार्यकाल झारखंड के इतिहास में निश्चित ही काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन सीपी सिंह जी, सुदेव जी तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो हैं वो एक योद्धा की तरह हैं, जिन्होंने कोविड के समय में जब केंद्र सरकार ना के बराबर सहयोग कर रही थी, तब ऐसे वक्त में भी अपने प्रदेश की जनता के लिए वो सामने खड़े रहे, हवाई जहाज से लेके आए, ट्रेन से लेके आए, रोड पर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा, चूंकि क्या है कि योद्धा ऐसे योद्धा थे, किस कोरोना काल में पैसे का रोना रोया और अपने लिए BMW कार खरीद लिया, भाई इसे तो योद्धा कहेंगे ही। सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि मैं अपना खरीदूंगा, वैक्सीन अपना खरीदूंगा, लेकिन पूरा का पूरा वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री ने मुहैया कराया, और आज वैक्सीनेशन में भी पूरे देश के अंदर झारखंड पिछड़ा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये कोरोना योद्धा की तरह नहीं थे। मुझे याद है कि इसी सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेटर यूनिट का इन्होंने शिलान्यास किया, आज तक होते ही लगा। तो ऐसे योद्धा हैं, तो ऐसे योद्धा देश के अंदर बहुत हुए हैं जो युद्ध के काल में भाग जाते थे लेकिन अपने को योद्धा कहते थे। तो मैं ये कहूंगा कि इस काल में, इस कोरोना काल में जो स्थिति इस राज्य की दर्दनाक रही है वो कल्पना से बाहर है, और मुख्यमंत्री मुखदर्शक बन के रहे, यहीं पर रेमडेसिविर से लेकर तरह तरह की चीजों की किल्लत हुई, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा है। गैस यहाँ पैदा होता है, इसके बाद भी यहाँ के लोगों को गैस की किल्लत होती रही है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अपने आप को होर्डिंग्स में लगाकर खड़ा कर देना, होर्डिंग्स में पूरा भर देना, और सिर्फ मीडिया के माध्यम से अपने आप को ये साबित करना कि 2 साल में हमने बहुत किया है, तो मैं समझता हूँ कि मीडिया सहित सारे लोग हंस ही रहे होंगे, या तो ऐसा दुर्दशा पर रो रहे होंगे, दो ही बात जवाब ले लेते हैं। सुदेव जी, ये कह रहे हैं सिर्फ होर्डिंग्स में आपके विकास के दावे हैं। मैं आदरणीय सीपी सिंह साहब की बड़े लंबे भाषण को सुन रहा था, हमें तो 2 साल का हिसाब देना है। आदरणीय सीपी सिंह साहब 7 वर्षों का हिसाब तो दे दें देश को कि यूपी में गंगा के किनारे रामनामी उड़ाकर हिंदू धर्मावलंबियों की लाशें जब गाड़ी गई तो इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे सिनेरियो से गायब थे और रामनामियां नोची जा रही थी। राइटर में जब फोटो छप गई और राष्ट्रीय शर्म का विषय हो गया तब इनके मुख्यमंत्री जी नहीं आए। पूरे कार्यक्रम के दरमियान कोरोना काल के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात नहीं की। जब कोरोना खत्म होता था तो मन की बात करने आते थे। पूरी दुनिया के देशों को सस्ती दरों पर और फ्री में कोरोना की वैक्सीन बांट दी और हमारे देश के नागरिक कोरोना की वैक्सीन के लिए तरसते रहे। रेमडेसिविर के आयात की हम लोगों ने मंजूरी मांगी, केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। और जो ये कहते हैं कि BMW खरीद लिया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 860 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, जरा उसकी भी बात कर लेते। 12 करोड़ की मर्सिडीज कार अभी खरीदी है, उसकी भी बात कर लेते। पुराना संसद भवन बेहतर अवस्था में रहने के बाद भी 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बना के जीते जी अमर होने के प्रयास की भी चर्चा कर लेते। रोजगार की बातें करते हैं, थकते नहीं हैं। 7 वर्षों में 14 करोड़ रोजगार कहाँ है, 14 करोड़ नौकरियां कहाँ है? सुदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हमें आने वाले वक्त के लिए झारखंड की बात की जाए तो किस तरह से आने वाले दिशा में काम किया जाएगा उस पर चर्चा कर ले, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड की जनता के लिए भी। सुदीप जी, अभी आप देख ही रहे,
कोरोना की बात कर ली जाए, तीसरे वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है, तो जानना चाहेंगे कि सरकार इसके लिए क्या आगे कदम उठाएगी, क्योंकि लगातार देखिए प्रयासरत किया जा रहा है, दूसरे वेव में भी सरकार ने कई कदम उठाए, तो क्या पहले से इस बार रणनीति बनाई जाएगी? जो कमियां रह गई थी दूसरे वेव में, क्या उन कमियों को, उन चुनौतियों को पहले से ही समझा गया है, समीक्षा की गई है, आगे आने वाले वक्त के लिए कितना तैयार है आप लोग? देखिए मैं तो स्पष्ट यह कहता हूं कि कोरोना काल में संवेदनशील नेतृत्व ने राज्य की जनता के प्रति जो संवेदनशीलता बरती है वो हमारे मुद्दा विहीन विपक्ष को नहीं दिखता है या देखकर अनदेखा करना चाहते हैं। हालिया दिनों की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की स्थिति शुतुरमुर्ग से बेहतर नहीं है, जो रेत में सर घुसाकर बाकी चीजों को अनदेखा करने का दावा करती है। मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहूंगा मैडम कि मैं उदाहरण सिर्फ आपको गिरिडीह जिले का देता हूँ, जहां से मैं विधायक। गिरिडीह सदर में मैडम दूसरी वेव के बाद हम लोगों ने सतत प्रयास करके, मैंने अपने विधायक निधि से भी, सरकार को अन्य जगहों से मिले एड से भी, इन तमाम चीजों को करके हम लोगों ने जिले को एक कोविड सर्किट बनाया है। इस कोविड में जिला मुख्यालय में सरकारी तौर पर मेरे पास आज 500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था है, मेरे पास 14 बेड का आईसीयू है, मेरे पास विभिन्न स्रोतों से मिले हुए माध्यमों के तौर पर 2000 LPM का PSA प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन प्लांट है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि झारखंड की सरकार, झारखंड के जनप्रतिनिधि और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरी वेव के बाद निश्चिंत नहीं हुए हम लोग। हम लोगों ने जारी की, जो कि आपको निश्चित रूप से परिलक्षित होगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त के लिए सरकार पूरी तरीके से और ज्यादा तैयारी करेगी। और खास तौर पर देखिए, अगर बात कर लेते हैं रोजगार को लेकर, जी मनीष। बिल्कुल अंजलि, मेरा एक सवाल सीपी सिंह जी आपसे ये है कि इस विषय रोजगार का विषय जो अंजलि बार बार जिक्र भी कर रही है और झारखंड के युवाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, ये सवाल हमने मुख्यमंत्री से भी पूछा, उनसे ही पूछा हम लोगों ने कि रोजगार के विषय पर जो आपने प्रॉमिसेस किए थे उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं, और क्योंकि लगातार विपक्ष भी काफ़ी मुखर है, तो उनका साफ ये कहना था कि पिछली जो सरकारें रही हैं 20 साल में 17 साल का टेन्योर जो है वो BJP का रहा है, तो उसमें उनका साफ कहना था कि जो पॉलिसीज बनानी चाहिए थी रोजगार को लेकर के, उसमें बहुत सारी गांठें जो थी वो इतनी उलझी हुई थी, उसको सुलझाने में उन्हें वक्त लगा। नंबर दो, उनका ये आरोप भी है आप लोगों के ऊपर में कि पिछला जो 5 साल का टेन्योर आपका रहा उसमें आप लोग एक भी JPSC कंडक्ट नहीं करा पाए, बल्कि वो ये दावा कर रहे हैं कि हम आते ही कोविड के फेज में भी हम लोगों ने JPSC कंडक्ट कराया, और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का मामला हो, स्पोर्ट्स टीचर का मामला हो, और भी दूसरे जो वो एग्जांपल्स दे रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं सवाल आपसे, BJP से पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया। देखिए मनीष जी, ऐसा है, सरकार में हेमंत जी हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। जब विपक्ष के लोग सवाल खड़े करते हैं तो आप फिर विपक्ष से पूछते हैं कि आपने क्या किया। प्रश्न ये नहीं है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, सत्ता में आप हैं तो प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा। प्रोमिस तो आपने किया था ना कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार शब्द नहीं, नौकरी देंगे, प्रत्येक स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए की राशि देंगे, स्नातक को 5,000 रुपए की राशि देंगे, 27% पिछड़ा को आरक्षण देंगे, इन चारों में किसको क्या दिया ये बता दीजिए। सुदेव जी बताइए, आपने क्या दिया? आप कहेंगे गांठे खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं। अरे भैया, गांठे आप नहीं खोल रहे हैं, आप सिर्फ तुष्टिकरण कर रहे हैं। आप पूरे राज्य के अंदर उर्दू तो दे दिया, हिंदी को गायब कर दिया, इससे बड़ा तुष्टिकरण और क्या हो सकता है? सुदेव जी, मैं इनसे ही चाहता हूं कि 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के शासन में है और 70 सालों का कांग्रेस का हिसाब ले रहे हैं, वहां इनका ये दोहरा दर्जा इनको नहीं समझ में आता है। 5 वर्षों निष्कंटक शासन इन्होंने चलाया झारखंड में, 1/6 JPSC ले पाए जिसका परीक्षाफल प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं था। आप अपना बताइए ना, 2 साल में क्या किया? के युवाओं के साथ बड़ा अन्याय किया। आज ये कहते हैं नौकरी और रोजगार, पकौड़ा बेचने के रोजगार को ये 2 करोड़ प्रतिवर्ष मान रहे हैं,
और झारखंड सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप मुर्गी बत्तख बेचवा रहे हैं, हड़िया बेचने के लिए कह रहे हैं, आप मुर्गी और बत्तख और अंडा बेचने के लिए युवाओं को कह रहे हैं। जेएसएलपीएस के माध्यम से हड़िया बेचकर और वो एमआर सीट गायब करके और उसके बाद रिजल्ट निकाल दे रहे हैं, और बाद में हल्ला हो रहा है तो कह रहे हैं कि गलती हो गया, अब उसको फेल कर दे रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं। हड़िया बेचने पे मजबूर किया हम मान गए भैया, आप लोग बालू से भी तेल निकालते हैं, कहावत था कि बालू से तेल नहीं निकलता है, लेकिन आप लोग बालू से तेल निकाल लेते हैं। नहीं, कहावत तो यह भी है कि हाथी नहीं उड़ता है, आपने हाथी उड़ा दिया। 100 स्मार्ट सिटी होनी थी। नहीं नहीं, बात तो सही, अभी अभी तो आप लोग भी उड़ा रहे हैं। अरे भैया, अभी उस समय तो हाथी उड़ाया गया था, आप लोग तो अपने उड़ रहे हैं। ये आपका हाथी तो उड़कर कहां गया, ये झारखंड की जनता या आदरणीय रघुवर जी को भी नहीं मालूम है, इसलिए अभी सबर कीजिए, अभी 3 साल में झारखंड मुक्ति। अरे भैया रघुवर जी, रघुवर, अरे रघुवर जी तो झारखंड में है, आप लोग तो उड़ करके हिंद महासागर पार हो जाने वाले हैं। सीपी सिंह जी, सीपी सिंह जी, देखिए आज का दिन ऐसा है कि मैं चाहूंगी विपक्ष भी ये उम्मीद करे कि आने वाले वक्त में, देखिए 3 साल अभी और बचे हैं, तो आप लोग क्या उम्मीद करते हैं सीपी सिंह जी कि सरकार किस तरह से काम करे, क्योंकि आखिरकार देखिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता की ही सेवा करना है और जनता के हित में ही सोचना है, क्योंकि चुनौतियां तमाम है। सुदीप जी से इसका जवाब लेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार से बार बार कहा जाता है सौतेला व्यवहार किया जाता है, तो इन चुनौतियों के बीच कैसे काम किया जाएगा। वहीं सीपी सिंह जी, आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस दिशा में और काम होनी चाहिए जिससे जनता की बात की जाए, जनता का उत्थान हो, राज्य का विकास हो? नहीं, बिल्कुल, कोई भी राज्य सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, किसी भी दल की बात हो, सरकार को जनहित में ही काम करने चाहिए, और सरकार को कम से कम आपस में लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए, और किसी को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। आपको एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ अंजलि जी, कि आज सरकार ने जो नियोजन के लिए जो रास्ता निकाला है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हिंदी को गायब कर दिया है। हम लोगों ने आवाज उठाया कि हिंदी को, मगही को, भोजपुरी को, अंगिका को, मैथिली को, तो इन्होंने मगही को अलग अलग जिला में अलग दृष्टि से इसको जोड़ने का तो काम किया, लेकिन हिंदी को गायब कर दिया और उर्दू को सब जगह रख दिया। तो ये तुष्टिकरण की नीति अपनाते एक समुदाय विशेष के लोगों को इन्होंने वोट की राजनीति के लिए उसको खुश करने का काम करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मुख्यमंत्री के नज़र में, सरकार की नज़र में, इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता बराबर है, एक साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन ये सरकार न्याय नहीं करती है। आज युवाओं की नौकरी छीनी जा रही है, मैं कहता हूं कि नौकरी दे नहीं सकते तो छीनने का भी काम मत कीजिए, जेपीएससी को दुरुस्त करने का काम कीजिए, जेएससीसी को दुरुस्त करने का काम कीजिए। आपने जेपीएससी के अध्यक्ष किसको बनाया है, जो व्यक्ति पहले किसी पार्टी से चुनाव लड़ चुका है, ऐसे व्यक्ति को आप बनाते हैं? इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे जो ये विवाद हुआ है? जवाब ले लेते हैं सीपी सिंह जी, जवाब ले लेते हैं सुदीप जी से। सुदीप जी, जेपीएससी का मुद्दा मुझे लगता है कि सरकार को वाकई गंभीर होकर सोचना होगा, इसके लिए क्या कदम उठाएगी सरकार जेपीएससी के मुद्दे को लेकर? और बार बार ये आरोप लगते हैं, यहाँ तक कि आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र की हम बात करें सुदीप जी, मॉब लिंचिंग जो बिल पास हुआ उसे लेकर भी विपक्ष कहती है कि तुष्टिकरण किया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं? और इसे लेकर खास तौर पर जो मुद्दा, क्योंकि सबका साथ लेकर चलने वाली बात तो हमेशा कही जाती है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। सुदीप जी, मैं सिलसिलेवार अपनी बात रखता हूँ। बहुत इन्होंने अच्छा कहा, सीपी सिंह बड़े भाई हैं जी, मैं बड़ा करता हूँ उनका, उन्होंने बड़ा उचित कहा कि सरकार को जनहित में काम करना चाहिए। निश्चित रूप से सर्वजन पेंशन या जनता के हित के सवाल पर झारखंड सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो जनहित के तरफ उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। लेकिन हम आदरणीय सीपी सिंह बड़े भाई से भी पूछना चाहते हैं कि केंद्र में अदानी और अंबानी के पक्ष में काम कर रही सरकारें कौन है, किनके हित सद रहे थे, वो भी जरा बता देते। दूसरा विषय आता हूं मैं, जेपीएससी पर ये बड़े चिंतित हैं, जाहिर तौर पर होना चाहिए। जेपीएससी के मामले मैडम जी,
पीएससी की परीक्षा से लेकर पहली दूसरी चौथी पांचवी जेपीएससी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुई, तीसरी जेपीएससी सिर्फ राष्ट्रपति शासन के दरमियान हुई थी जिस पर कहीं कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। आज खाली एक बस क्रिएट करने के लिए युवाओं के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि ये सातवीं से लेकर दसवीं जेपीएससी के परिणामों में घोटाला हुआ है। मैडम, मैंने तो पब्लिक डोमेन में देखा है कि ये पिछली जेपीएससी की जो नियुक्तियां थी उन नियुक्तियों में भारतीय जनता पार्टी के किन भाई भतीजों को, किन रसूखदार के बाल बच्चों को बगैर पीटी के मेंस पास करा के अफसर बना दिया गया जो आज झारखंड सरकार में कार्यरत है। मैं तो चुनौती देकर कहता हूं सीपी सिंह सर को कि सीपी सिंह सर इन प्रकाशित परीक्षा फल में एक बंदा खोज कर दिखा दीजिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या आरजेडी के नेताओं का अपना सगा रिश्तेदार हो, जिसे बेटे बहुओं और भाइयों को प्रकृत किया गया, वो खोज कर निकाल दीजिए। और मैं तो ये कहता हूं स्पष्ट तौर पर, यदि आपको लगता है कि सरकार असंवेदनशील है, सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है, तो मैं तो आपको कहता हूं कि पूरी चुनौती के साथ आप माननीय उच्च न्यायालय चले जाएं। माननीय उच्च न्यायालय तो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, आपके सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे। अब आ जाइए दूसरी बात पर, मॉब लिंचिंग के मामले में बड़ा हल्ला हुआ, सदन में भी विचित्र विचित्र बातें इन लोगों ने की और उसके बाद महामहिम राज्यपाल के पास भी चले गए शिकायत लेकर। अंजलि मैम, यह कानून बना है कि दो या दो से अधिक लोग किसी भी जाति और धर्म के हों, वो अगर किसी की हत्या करते हैं तो उनको आजीवन कारावास होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इन ऐसे लोग जो मॉब लिंचिंग में शामिल हैं उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है। जिस कानून को केंद्र सरकार को लाना चाहिए था, उस कानून को राज्य सरकारों को लाने के लिए बाध्य किया गया। अब मैं ये स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय न्याय व्यवस्था के ऊपर सीपी सिंह साहब को भरोसा नहीं है कि यदि सरकारें अपनी प्रशासनिक मशीनरियों से विक्टिमाइज करेंगी या किसी को प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगी तो क्या ऑनरेबल कोर्ट उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करेगा? क्या भारतीय न्याय व्यवस्था पर से इनका भरोसा उठ गया है? ये मॉब लिंचिंग का कानून इसलिए लाया गया है कि किसी एक तबके का व्यक्ति नहीं मारा। बिल्कुल, उम्मीद भी यही करेंगे कि देखिए सरकार जो कानून लाती है सुदीप जी, उससे सबको न्याय भी मिले। मनीष, देखिए वक्त की भी कमी है लेकिन चुनौतियां तमाम सरकार के लिए भी, और देखिए विपक्ष का काम होता ही है चेकमेट करना। तो क्या मनीष आपको लगता है कि जिस तरह से तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि वाकई कोरोना काल है और ऐसे वक्त में चुनौतियां होती हैं, तो किस दिशा में उम्मीद हम करें कि सरकार आने वाले वक्त में जनता की सेवा करेगी? देखिए इस मामले पर हमने चीफ मिनिस्टर से भी बात की और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनसे भी बात की। सबका एक ही मानना है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि संकट के टाइम में कि जो सोशल वेलफेयर्स के जो काम हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स है कि उन्हें एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, उन्हें समय पर जो है अनाज मिल जाए, उन्हें रहने के लिए मकान मिले, यानी कि जो बेसिक उन्हें रोज़गार जो वो जिस इलाके में रहते हैं, चाहे वो शहरी इलाके में हो या ग्रामीण इलाके में है, उन्हें रोज़गार के साधन मिल सके ताकि वो अपने परिवार को चला सके। तो ये जो बेसिक नीड्स है और जो सोशल वेलफेयर्स की जो स्कीम्स है वो सीधे जो बुनियादी जो हम कह सकते हैं कि जो निचले पायदान के लोग हैं उन तक इन योजनाओं का सीधा लाभ पहुँच सके, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की का यही मानना है। बिल्कुल, उम्मीद भी यही करते हैं मनीष की सत्ता पक्ष भी इसी दिशा में काम करे आने वाले वक्त में, और विपक्ष भी इसी मुद्दे को लेकर लगातार सवाल भी उठाए, क्योंकि आखिरकार देखिए जनता का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। उम्मीद करते हैं सुदीप जी कि आने वाले वक्त में ऐसे ही आप लोग जनता की सेवा करते रहे, और सीपी सिंह जी लगातार जैसे कि अभी भी सवाल उठाते हैं और ऐसे ही चेकमेट करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।